हरे कृष्णा। भगवद गीता एक बहुत ही व्यावहारिक ग्रंथ है और उसमें से जो भी शिक्षाएं हमें मिलती है, यदि वो हम लोग हमारे जीवन में पालन करना प्रारंभ करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुकर, आसान, सफल और आनंददायी बन सकता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं महसूस होती है, तब उन्हें अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उन्हें प्रेरणा दे, जो उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करे, जो उनके लिए एक अल्टरनेटिव रियलिटी खड़ी करे। कोई यदि ऐसा व्यक्ति प्रेरित करने वाला हमारे जीवन में हमें मिल जाए तो हम लोग किसी भी समस्या के ऊपर मात कर सकते हैं। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर ऐसी ही परिस्थिति अर्जुन के सामने उपस्थित थी। अर्जुन संभ्रमित थे कि मैं ये युद्ध करूं या मैं युद्ध नहीं करूं, क्योंकि उनका कुल धर्म और उनका क्षत्रिय धर्म दोनों एक साथ आमने सामने खड़े थे। क्षत्रिय धर्म के हिसाब से उन्होंने युद्ध करना चाहिए था और कुल धर्म उनका यह कह रहा था कि मेरे सब सगे संबंधी ही सामने खड़े हैं, उन्हें मैं क्यों मारूं? तो मैं, हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। इस परिस्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण। अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, इस युद्ध में मुझे कुछ भी श्रेयस्कर नहीं लग रहा है। पहले अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन अपना मत भगवान के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। न च श्रेयनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे, इन लोगों की हत्या करने में मुझे कुछ अच्छाई नहीं लग रही है। न च श्रेयोनु पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, न तो मैं इसमें विजय प्राप्त करके स्वर्ग की अभिलाषा रख रहा हूँ या न मैं इस राज्य की कामना मुझे है, मैं युद्ध ही नहीं करना चाहता हूँ। युद्ध को अर्जुन यहाँ पर एक समस्या के रूप में देख रहे थे। पहले अध्याय में तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सारी बातों को सुन लिया और जब भगवान श्री कृष्ण के सामने यह चुनौती थी कि अर्जुन को उन्हें धर्म स्थापना के लिए प्रयोग करना था, अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण अपने शब्दों से प्रेरित करते हैं। अर्जुन ने जो समस्या भगवान के सामने रखी थी, भगवान श्री कृष्ण एक अलग ही नजरिए से अर्जुन के सामने प्रस्तुत होते हैं और वह कहते हैं कि ये तो समस्या जो तू बता रहा है अर्जुन, वो तो समस्या है ही नहीं। भगवान कहते हैं कि ये तो एक सुअवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है युद्ध करना। इसलिए वो कहते हैं दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण 32वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रुशम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जो कहा था उससे विपरीत परिस्थिति बता रहे हैं कि यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ऐसा जो युद्ध है जो अपने आप चलते हुए हे अर्जुन तुम्हारे सामने आया हुआ है, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, ये स्वर्ग के द्वार खुले कर रहा है तुम्हारे सामने। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद्रुशम, ऐसे क्षत्रिय जिन्हें इस प्रकार का युद्ध का मौका, इस प्रकार का युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है, सुखिना वो तो सुखी क्षत्रिय है जिन्हें ऐसा लड़ाई का, ऐसे युद्ध का सुअवसर प्राप्त होता है, वो तो ऐसे युद्ध की खोज में ही रहते हैं जो युद्ध अपने आप तुम्हारे सामने चल के आया है हे अर्जुन। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम इस युद्ध को लड़ो, क्योंकि ये अपने आप तुम्हारे सामने चलकर आ रहा है और कई सारे क्षत्रिय ऐसे होते हैं जो ऐसे सुअवसर को वो ढूंढते हैं।
इसलिए वो कहते हैं कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ट कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। युद्ध करने का तुम निश्चय करो, यदि तुम इस युद्ध में मारे भी जाते हो तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर लोगे, और यदि इस युद्ध को तुम जीतते हो तो तुम एक राज्य के सम्राट बन जाओगे। तो हारने में या जीतने में दोनों में तुम्हारा ही फायदा है। अर्जुन भगवान के सामने लूज लूज सिचुएशन प्रस्तुत कर रहा था, लेकिन भगवान उस परिस्थिति में विन विन सिचुएशन देख रहे थे। इसी प्रकार से जो नेतृत्व कर रहा है उस व्यक्ति को चाहिए कि अपने अधीनस्थ जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हो और जो भी समस्या से गुजर रहे हो उस समस्या को एक अलग नज़रिए से दिखाना हमें सीखना चाहिए। जैसे माता पिता को भी अपने बच्चे को एक अलग नज़रिए से परिस्थिति को कैसे देखना चाहिए वो सिखाना चाहिए। एक जो इंडस्ट्री है वहाँ पर भी कोई जो नेता है वहाँ पे कोई नेतृत्व कर रहा है, कोई मैनेजर है, उसे भी इस प्रकार से देखना चाहिए कि उनके अधीनस्थ जो भी व्यक्ति जब भी कभी वो अपना मनोबल खो बैठे, परिस्थिति से हतबल हो जाए, बलहीन अपने आप को महसूस करें, तभी हमें उसी परिस्थिति को एक अलग नज़र से, एक अलग नज़रिया, एक अलग अंदाज से उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाने का हमने सदैव प्रयत्न करना चाहिए। यही यदि हम लोग भगवान श्री कृष्ण से सीखें तो हम लोग इस विश्व में जीवन जीते हुए एक सकारात्मक बदल लाने के एक हम लोग औजार बन सकते हैं। हरे कृष्ण।